नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आज मैं आपको नेकलाइन में पाइपिंग कैसे लगाते हैं ये बताने जा रही हूं। तो ये है मेरा सिंपल राउंड नेक, जिसकी की डेप्थ है 6.5 इंचेस और इसकी विड्थ है 6 इंचेस। तो सबसे पहले आप अपने नेकलाइन का डिज़ाइन काट लें अपने ड्रेस का। इसके बाद आपको एक फैब्रिक चाहिए होगी जिससे कि आप पाइपिंग देना चाहते हैं। इस पाइपिंग को हमने बायस बाइंडिंग में काटना है, जिसका मतलब है तिरछा, हमें स्ट्रेट नहीं काटना है। स्ट्रेट अगर काटेंगे तो उसमें स्ट्रेच नहीं होगा, खिंचाव नहीं होगा। बायस बाइंडिंग इस तरीके से तिरछा काटने से उसमें तो स्ट्रेच होगा। पहले हम 1.5 इंच वाइड चौड़ा बायस बाइंडिंग स्ट्रिप काटेंगे, 1.5 इंच। अब हम इसे काट लेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं हमारी सारी बायस बाइंडिंग स्ट्रिप्स कट चुकी हैं। अब हम एक दूसरे से इनको ज्वाइन करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी बायस बाइंडिंग आपकी ये जो स्ट्रिप का साइड का हिस्सा है, इन दो हिस्सों को दोनों का राइट साइड मिलाते हुए, सीधा हिस्सा मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टिच दे देनी है जिससे कि ये जुड़ जाएगा और फिर ये आगे से सीधा इस तरीके से लगेगा और फिर एक ये लंबी स्ट्रिप मिल जाएगी। इस तरीके से आप सारे बायस बाइंडिंग्स को मिला सकते हैं और आपको जितना लंबा पाइपिंग के लिए ज़रूरत है फैब्रिक की, उतना आप इसको जोड़ते चले जाएं और उतना लंबा बायस बाइंडिंग स्ट्रिप आप तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारी बायस बाइंडिंग स्ट्रिप आपस में मिल गई हैं। ये मैंने इनको यहाँ से स्टिच कर दिया है, ये देखिए, और इस तरह से हमारे पास ये लंबी बायस बाइंडिंग स्ट्रिप तैयार है। अब इसमें ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, आप चाहें तो इसे थोड़ा काट भी सकते हैं अगर आपने थोड़ा ज़्यादा स्टिच में लेकिन गैप अगर दे आपका दिया गैप तो। थोड़ा है तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, देखिए जस्ट इतना काफ़ी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दें। अब हम इससे पाइपिंग बनाएंगे। तो इसके लिए आपको डोरी की ज़रूरत पड़ती है इस टाइप की। इसे अब हम इस स्ट्रिप के अंदर रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो उल्टा साइड है स्ट्रिप का, उसे लेना है। एक तरफ से आपको डोरी इस तरह ज़्यादा नाग ले कपड़ा इस साइड से, जस्ट आप 2 सेंटीमीटर कपड़ा ले सकते हैं, ज़्यादा ना लें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा कपड़ा का नहीं लिया है गैप। और इसके बाद जस्ट डोरी के बिल्कुल पास पास में आप स्टिच करते चले जाएं, इस तरीके से बिल्कुल पास पास में आप स्टिच करते हुए चले जाएं। सबसे पहले इसके लिए आप सिंगल फुटर ले लें, जो ये एक तरफ से होता है फुटर, इससे आपको डोरी बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो अपना फुटर सबसे पहले चेंज कर लें। अब हम पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरी पाइपिंग तैयार है। अब हम इसे अपनी नेकलाइन पे लगाएंगे। तो ये है मेरी सिंपल राउंड नेकलाइन। इसके ऊपर सबसे पहले आप साइड्स में 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच लें, यहाँ से गैप देते हुए, जिसके ऊपर की हम अपनी पाइपिंग रखेंगे और इसको सिलेंगे। इससे हमें आसानी हो जाएगी और सफाई आएगी आपके काम में। ये है मेरे नेकलाइन का राइट साइड, यानी कि सीधा तरफ, और ये है पाइपिंग का उल्टा तरफ। तो जो सीधी तरफ हम अपनी पाइपिंग का उल्टा साइड रखेंगे, जैसे कि ये है, तो मैं अपने नेकलाइन की सीधी तरफ अपने पाइपिंग का उल्टा साइड रखूंगी।
तो ये है मेरी पाइपिंग का उल्टा साइड और ये है नेकलाइन का सीधा। इसे हम जस्ट यहाँ रखेंगे, ये जो लाइन आपने बनाई है इसके ऊपर पाइपिंग को रखें इस तरीके से, ऊपर थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दें एक्स्ट्रा। इसके बाद जस्ट इधर थ्रेड के पास में जहाँ आपने पहले से स्टिच दे रखी है उसके ऊपर आप इसको स्टिच करते चले जाएं। इस लाइन को फॉलो करें, इसके ऊपर ही ऊपर अपनी पाइपिंग को रखते जाएं इस तरीके से और स्टिच देते चले जाएं। तो इस तरह हमने अपने नेकलाइन में पाइपिंग को जोड़ दिया है और ये इस तरीके से दिख रहा है और पीछे की तरफ से उल्टी साइड से ये ऐसा लग रहा है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स दे देंगे जिससे कि फिर इसे हमें ऊपर मोड़ने में आसानी होगी, जैसा कि हम मोस्टली नेकलाइंस में स्पेशली राउंड नेकलाइंस में ज़रूर देते हैं कट्स। बहुत ही संभाल के आप अपने कट्स दें, ध्यान रखें कि आपके स्टिचेस ना कटें। अब छोटे छोटे कट्स मैंने दे दिए हैं नेकलाइन के पूरे तरफ और ये पीछे की तरफ मैंने इस कपड़े को करके इसे प्रेस कर दिया है। आप इसमें आयरन ज़रूर करें, प्रेस ज़रूर करें और अब ये आगे से कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम इसके साइड में एक स्टिच देंगे जो कि आपको कुर्ती वाले कपड़े के ऊपर स्टिच देना है। थ्रेड के ऊपर आपका स्टिच नहीं जाना चाहिए, जस्ट बिल्कुल साइड साइड में, बिल्कुल पास पास में पूरे नेकलाइन के ऊपर हमें स्टिच देना है। तो इस तरीके से आप देखिए मैंने यहाँ साइड साइड में स्टिचेस दे दिए हैं और ये इस तरीके से लग रहा है, पीछे से ये ऐसा लग रहा है। अब ये जो आपका बचा हुआ ये जो फैब्रिक है इसे आपको इस तरीके से फोल्ड करके दो फोल्ड मारना है, पहला और फिर दूसरा इस तरीके से, और फिर यहाँ पे आपको तुरपाई कर देनी है सुई धागे की मदद से। आप यहाँ हेमिंग कर दीजिए, तुरपाई कर दीजिए इसको, पूरी नेकलाइन को इस तरीके से डबल फोल्ड मारते हुए आपको तुरपाई करनी है और तुरपाई करने के बाद आप इसमें प्रेस कर दीजिए, आयरन कर देंगे जिससे कि ये बैठ जाएगा और सेट हो जाएगा। और इस तरीके से आपका नेकलाइन पाइपिंग के साथ तैयार, तो इस तरीके से आपका नेकलाइन विद पाइपिंग तैयार है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।